हम इस वक्त दिल्ली के गंगाराम में हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शख्स को रोड रेज के मामले में इतना पीटा गया कि उनकी आंख फट गई, नाक टूट गई, जबड़े में चोटें हैं और वो होश में नहीं। और पीटने वाले हैं बीजेपी के नेता और उनकी पत्नी। उनकी पत्नी जो हैं वो बीजेपी की पार्षद हैं, सौम्या शुक्ला नाम है, और बीजेपी का नेता का नाम अंकित शुक्ला है। ओवरटेक करने की बात थी और इतना पीटा कि वो अस्पताल में है और कानपुर में इलाज नहीं हो पाया तो एयरलिफ्ट करके उनको किसी तरीके से गंगाराम में एडमिट किया गया है। गाड़ी में जो घायल हैं उनकी पत्नी भी थी, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं और उनके भाई हमारे साथ में हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुनीत है। क्या हुआ था उस रोज? मुझे पता है वो थोड़ा मुश्किल होगा पर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद बताऊंगा पुलिस ने कार्रवाई क्या की है, वही बताइएगा। पुलिस ने कुछ नहीं करा है। पहले पूरा वाक्य बताइए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों डिनर करके वापस जा रहे थे जीटी रोड में, तो हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही थी, तो गाड़ी में ये लोग हूटर मार मार के, मतलब 5 मिनट से हूटर मारी जा रहे थे, हॉर्न मारी जा रहे थे। बट हमारे राइट साइड में ट्रक चल रहा था और आगे गाड़ियाँ थी जिसकी वजह से हम उनको साइड नहीं दे पाए, तो ये हमारे लेफ्ट से ओवरटेक करने लगे। जब लेफ्ट से ओवरटेक करने लगे तो इन्होंने हमारी गाड़ी में आके स्क्रैच मारा, तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोक दी। जब उन्होंने गाड़ी रोकी तो इन्होंने हमारे आगे आके गाड़ी रोक दी। जब गाड़ी से उतर के ये आए तो उन्होंने सीधा आके इन्होंने शीशा खोला तो सीधा आके कहते हैं कि क्या बात है सरदार जी, थार रखी हुई है, क्या गाड़ी नहीं रोकेंगे क्या? तो इन्होंने बोला क्या हम उड़ के चले जाएँ, हमको आगे जगह मिलेगी, तो बस उन्होंने सीधा उनका कॉलर पकड़ लिया। जब कॉलर पकड़ा उन्होंने उनका चश्मा उतार के फेंक दिया, उनकी पगड़ी उतार के फेंक दी, उनको बस मारना चालू कर दिया और इतना मारे कि उनकी एक आँख राइट आई पूरी डैमेज हो चुकी है, दूसरी आँख से अभी कुछ नहीं दिख रहा है, उनका फेस में भी चोट आई है, उनके मुंह में भी पंच मारे हैं। कितने लोग थे वो लोग? 4-5 लोग थे और 2 लेडीज़ थी उसमें। मैंने सबके हाथ जोड़े कि प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए, प्लीज़ उनको तोड़, बट किसी ने नहीं। सौम्या शुक्ला थी और उनका हस्बैंड था अंकित शुक्ला, वो दोनों वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे बस, और मैं सिर्फ उनके हाथ और पैर जोड़ दी। और उनके लोग जो थे वो पीट रहे थे और उनके लोग उनको 15 मिनट तक पीटते रहे। अंकित शुक्ला भी साथ में मार रहे थे। उनकी मैडम सामने खड़ी थी, सौम्या शुक्ला, उन्होंने किसी को नहीं रोका, उनके हस्बैंड मारते रहे, उनके आदमी मारते रहे, बाउंसर थे 4-5 उनके साथ, वो सब मारते रहे। मैं सिर्फ उनको रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए प्लीज़ उनको, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, जैसे ही आया इसको भी मारना चालू कर दिया। आपको भी पीटा? मुझे भी मारा है, पुलिस वाले खड़े थे वहाँ, मुझे भी उन्होंने मारा है। पुलिस वाले सिर्फ देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे वहाँ पे। इनको मारा, मेरे जीजू आए उनको मारा, उसके बाद हम लोग थाने ले गए उनको, और वहाँ पे खड़े होके वो हंस रहे हैं वहाँ पे थाने में खड़े होके। आपके लिए अभी फिर आपके हस्बैंड करते क्या हैं? मेरे हस्बैंड हमारी परफेक्ट सर्जिकल मेडिकल की शॉप है और बस हम तो अपना मेडिकल स्टोर है, अपना मेडिकल स्टोर है हमारा। आपके साथ भी हाथापाई की? मेरे को भी धक्का मारा उन्होंने, बट मेरे को तो पहले से कार से उतरने ही नहीं दिया उन्होंने, धक्का मारा उन्होंने, बट मैं किसी तरह उनकी जो वहाँ पे सौम्या दीक्षित थी वहाँ पे गई, उनको बोला, बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए, हाथ भी पड़े, बट उन्होंने कोई कुछ नहीं सुना। तब तक उनकी मतलब जो आँखें थी वो बिल्कुल दोनों डैमेज हो चुकी थी। तब तक आँखों में पंचेज मार रहे थे? आँखों में पंचेज मार रहे थे, राइट आई तो पूरी चली गई आई। ही वाज ब्लीडिंग। हाँ, ही वाज ब्लीडिंग। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया था? उसने कुछ नहीं करा वहाँ पे, बस हम सिर्फ इधर उधर उनको लेके 5-6 घंटे भागते रहे, ना कोई उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट मिला, कुछ नहीं मिला। हम सीधा यहाँ पे फिर दिल्ली आए, मतलब कोई ट्रीटमेंट कानपुर में भी नहीं, कुछ भी मिला। अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने यही बोला है कि राइट आए तो डैमेज हो चुकी है पूरी, उसमें कोई चांस नहीं है, और जो लेफ्ट आए है वो भी अभी नहीं पता कुछ। आपके हस्बैंड होश में हैं अभी, बात कर पा रहे हैं? होश में है वो। पुलिस ने स्टेटमेंट लिया उनका भी? हाँ, पुलिस ने स्टेटमेंट लिया है, आई थी पुलिस, स्टेटमेंट लिया है, बट हम यही होप करते हैं कि उनको सख्त से सख्त सजा मिले जो उन्होंने हमारे साथ किया है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। हम तो नॉर्मल लोग हैं, हम तो क्या बोलें, हम कुछ नहीं बोल सकते जो हमारे साथ हुआ है।
हम लोग बस चाहते हैं कि धारा 307 उन पे लगाई जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर बिल्कुल लगाई जाए सब पे, चार पांच जितने लोग थे सब पे लगाई जाए। अरेस्ट नहीं हुआ है कोई, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, नॉर्मल उनकी धाराओं पे FIR किया है, जो वो थाने से छूट जाएंगे। आपके लिए कितना मुश्किल था उस वक्त रोकना उनके लिए? और अक्सर रोड रेज केसेस में होता है कि आप देख रहे हैं कि सामने एक भीड़ या कुछ लोग पीट रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए, मैं उनके सिर्फ हाथ पैर जोड़ रही थी कि सिर्फ प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए मेरे हस्बैंड को। अब मैं हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया तब भी हम माफ़ी मांग रहे, बट नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा, बस वो सिर्फ मारते रहे बस। अभी आप ट्रॉमा में हैं, अब जिसका हस्बैंड ऐसा हो जाएगा तो वो तो ट्रॉमा में ही रहेगा ना, जब आँख ही चली गई है और दूसरी आँख का भी कुछ पता नहीं क्या होगा। ये आप चिल्ड्रन आपके बच्चे हैं? मेरा एक बेटा है। वो था उस दिन? नहीं, वो नहीं था। तो अभी आप लोग यहीं पर ही हैं और अभी वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कानपुर में हो रहा है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप चूंकि थी तो अब वो लोग भी कह रहे हैं जो सौम्या शुक्ला और अंकित शुक्ला वगैरह, उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने भी उनके साथ मारपीट की है। हमको गाड़ी से उतरने ही नहीं दिया तो हम कहाँ से मारपीट करेंगे। गाड़ी में ही उन्होंने इतना मार दिया कि हम वहाँ से निकल ही नहीं पाए, हम सीधा हॉस्पिटल गए। पाँच आदमियों को मारेगा वहाँ? अगर मारा ही होता तो ये हालत होती उनकी? अगर एक आदमी पाँच आदमी को वहाँ मारता तो ये हाल में लाते उनको हम यहाँ? उन्होंने गाड़ी से हमें उतरने ही नहीं दिया, आते ही उन्होंने आँख में पंच मार दिया, तो वो क्या उतर के वो उनको मारते, वो उसी समय ब्लैंक आउट हो गए थे बिल्कुल। सौम्या शुक्ला जो बीजेपी पार्षद हैं वो, और उनके जो साथ में बाउंसर्स थे कि जो थे हमें नहीं पता, क्योंकि पांच लोग थे। हाँ, इन्होंने सब ने मिल के बहुत मारा। आपने सुना पूरी कहानी। यूपी पुलिस में जो कानपुर के कमिश्नर हैं उन्होंने बयान दिया है कि दोनों तरफ की शिकायतें रिसीव हुई हैं, FIR तो हुई है पर जो धारा है 307 की धारा, जो अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा होती है, वो ऐड नहीं हुई। फिलहाल ये लोग गंगाराम में हैं और यही कहा जाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत सख्त है, कानून का राज है। तो फिलहाल अगर राज है तो ये वाक्य कैसे हो जाते हैं? उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी, जो वाकई में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते हैं और थपथपानी भी चाहिए, वो गुनीत को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सहयोगी करण पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।